जय श्री सियाराम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। क्या भगवान राम की कोई बहन भी थी? तो आज मैं उन्हीं के बारे में आप सभी को अनसुनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री राम से जुड़े हर किस्से से लोग परिचित हैं। रामायण के सारे चरित्रों के बारे में भी लगभग सभी लोग जानते हैं। सबको पता है कि भगवान राम के तीन भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन चारों भाइयों की बड़ी बहन थी। शांता का जिक्र रामायण में भी है। वह राजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी जिन्हें वर्षिणी और उनके पति रोमपद ने गोद लिया था। शांता ऋषि रिंग की पत्नी थी। शांता और ऋषि रिंग के वंशज सेंगर राजपूत हैं जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत कहा जाता है। शांता महाराजा दशरथ और कौशल्या की बेटी थी जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी ने गोद लिया था। वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थी। वर्षिणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि रिंग को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मानसून के मौसम में वहाँ बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहाँ हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। रोमपद ऋषि रिंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि रिंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि रिंग से कर दिया। रामायण के कई पात्रों की कहानियाँ की तरह शांता के बारे में भी विभिन्न मत है। सत्य साई बाबा ने 19 मई 2002 को दिए अपने एक प्रवचन में भगवान राम की बहन का जिक्र किया था। प्रवचन के अनुसार राम को जन्म देने से पहले कौशल्या की एक बेटी थी जिसका नाम शांता था। क्योंकि वह एक लड़की थी और सिंहासन पर नहीं बैठ सकती थी इसलिए उन्होंने शांता को एक ऋषि को गोद दे दिया। ऋषि ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और ऋषि रिंग के साथ उनका विवाह किया। दशरथ ने अपनी मंत्री सुमंत की सलाह पर कुलीन ऋषियों को पुत्र कामेष्टि यज्ञ यज्ञोपवीत संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दशरथ ने ऋषि रिंग को खास तौर पर आमंत्रित किया और समारोह में आने के लिए कहा। ऋषि रिंग एक महान ऋषि थे। वह जहाँ भी पैर रखते थे वहाँ समय पर बारिश, शांति और समृद्धि रहती थी। वहाँ लोग आनंद में रहते थे। सुमंत ने ऋषि रिंग के पास जाकर उन्हें यह यज्ञ कराने को कहा। यज्ञ में आने का निमंत्रण मिलने पर ऋषि रिंग ने कहा, मैं अकेला नहीं आ सकता, मैं यज्ञ कराने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी पत्नी शांता भी मेरे साथ आएगी। वह भी ऋत्विक के रूप में कार्य करेगी। सुमंत इस शर्त को मानने के लिए सहमत हो गए। जब राजा दशरथ को शांता के बारे में पता चला, शांता और ऋषि रिंग अयोध्या पहुंचे। शांता ने दशरथ और कौशल्या के चरण स्पर्श किए। शांता को देखकर राजा दशरथ हैरान थे क्योंकि वह किसी ऋषि की तरह दिखती थी। शांता ने जहाँ भी पैर रखा वहाँ से सूखा गायब हो गया। दशरथ और कौशल्या सोच में पड़ गए कि आखिर यह कौन है। तब शांता ने स्वयं अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने कहा, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। दशरथ और कौशल्या को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह उनकी पुत्री शांता है जिसे उन्होंने एक ऋषि को गोद दे दिया था। कहानी का एक और संस्करण है जो टीवी के एक धारावाहिक में दिखाया गया था। इसके अनुसार शांता को किसी को भी गोद नहीं दिया गया था। अयोध्या में एक बार भयंकर सूखा पड़ा था और ऋषि रिंग को यज्ञ करने के लिए बुलाया गया था। ऋषि रिंग द्वारा यज्ञ किए जाने पर जोरदार बारिश होती है और हर कोई खुशी से झूम उठता है। राजा दशरथ ऋषि रिंग को पुरस्कृत करने की इच्छा जताते हैं। ऋषि ने राजा दशरथ की बेटी शांता का हाथ मांगकर वहां सबको चौंका दिया। हालांकि राजा दशरथ अपनी राजकुमारी बेटी का हाथ एक ऋषि को देने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन फिर भी वह इस बात के लिए मान गए। सालों बाद भी राजा दशरथ की कोई संतान नहीं होती है। वह
पुत्र कामिष्टि यज्ञ करने के लिए फिर से ऋषि रिंग को आमंत्रित करते हैं। यज्ञ कराने के बाद ऋषि रिंग रानियों को प्रसाद खाने को देते हैं और इस तरह अयोध्या के राजकुमारों का जन्म होता है। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।